गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं आपके, ठीक है। ये ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, मैं सभी को बता दूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सारी कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपकी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कि कितना कितना कट ऑफ रह सकता है, सारी कैटेगरी के बता रखे मैंने। बाकी ये ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, ये ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे से कि सर ये ऑफिशियल कट ऑफ है। तो आपका जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो आपकी जो क्रिप्शोलन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जे एन के बी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपका जो ऑफिशियली कट ऑफ होता है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। उसमें सारी कैटेगरी आपकी मेंशन रहती है, ओबीसी, कृषक प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर, आर्मी कोटा, सारी जो है उसमें मेंशन रहती है कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो ऑफिशियली कट ऑफ आपका हमेशा जो है जब अलॉटमेंट लेटर आते हैं उस टाइम पे आपका ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज किया जाता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात काउंसलिंग को लेकर है ना, काउंसलिंग आपकी यहाँ पे 4 से 5 दिन में शेड्यूल जारी हो जाएगा, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जे एन के बी आर के बी एस के बी, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप सभी को बता दूं, काउंसलिंग में हमेशा आपकी 2 राउंड होते हैं पीएटी में, आप सभी को पता है। चित्रकूट को मिलाकर आपकी 1158 सीट्स हैं, है ना, जिसमें अगर यहाँ की बात करूँ, क्योंकि चित्रकूट की तो अलग काउंसलिंग चलती है भाई, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ की जो 90% सीट होती है वो टोटल आपकी फर्स्ट राउंड में फिल हो जाती है ना। सेकेंड राउंड में आपके अपग्रेड होते हैं, अपग्रेड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर भी मिल जाते हैं अपग्रेड में, है ना। तो अपग्रेड में आपके क्या होता है, अपग्रेड भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कट ऑफ के बिल्कुल करीब होते हैं उनको सीटें अलॉट होती हैं सेकंड राउंड में। याद रखिएगा एमपी पीएटी में हमेशा आपके 2 राउंड होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर सीट आपकी टोटल सीट पे डिपेंड करता ही है, तो अगर देखो 90% सीट्स तो आपकी फर्स्ट राउंड में फिल हो जाती है, तो सेकंड राउंड आपका बस सेकंड राउंड तक ही काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं, बाकी आपकी पीवीएफटी डाहेड वगैरह में आपकी वेकेंट सीट तक, मोपअप राउंड तक भी जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके 2 राउंड होते हैं, 90% सीट आपकी फर्स्ट राउंड भर जाती है, सेकंड राउंड में आपकी थोड़ी मोड़ी सीट बचती है, अपग्रेड होता है, तो उसमें जो है आपका हो जाता है। तो ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा, आपकी ऑफिशियली ये कट ऑफ नहीं है, है ना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सारी कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और अलॉटमेंट लेटर आपका जस्ट जैसे ही होता है इसके जस्ट बाद आपकी चित्रकूट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फ्री सीट की अलग काउंसलिंग चलती है, पेमेंट सीट की अलग काउंसलिंग चलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कॉलेजेस अलॉट होते हैं तो फीस तुरंत फिल करनी होती है भाई। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके चित्रकूट की बात कर रहा हूँ, आपको सारी फीस वहाँ की फिल करनी होती है। यहाँ पे तो आपको ओनली सीट लॉक करानी होती है, इसके बाद कॉलेज जाके आपके डॉक्यूमेंट जमा करो और आपकी फीस जमा करनी पड़ती है भाई, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को यहाँ पे बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने, वेट करो थोड़ा सा। बाकी अगर आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या क्या स्कोप है इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या क्या स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये फैलाया जा रहा है कि भाई हॉर्टिकल्चर नहीं लेना चाहिए, हॉर्टिकल्चर बहुत बुरा है, इसमें कोई मतलब नहीं है, स्कोप भी नहीं है। भाई अगर स्कोप नहीं होता तो उसको क्यों बनाया जाता है ना, बहुत सारे स्कोप है भाई हॉर्टिकल्चर में भी। तो अगर आप उस पर वीडियो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट कौन कौन सी जॉब्स है, प्राइवेट कौन कौन सी जॉब है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानते हैं, आइए सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, बीएससी एग्री होटी एंड बीटेक, ठीक है, चलिए आइए फिर जानते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कट ऑफ, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें आप देख सकते हो जर्नल की जो वॉइस है उनका 88 से 90 नंबर के आसपास अप्रोक्स रह सकता है, ठीक है, और जर्नल की जो गर्ल्स है उनका यहाँ पे 66 नंबर, बहुत कम कट ऑफ जाता है यहाँ पे जर्नल की गर्ल्स का। और वैसे भी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आप सभी को पता है 115 नंबर पे यहाँ पे फर्स्ट रैंक लगी, तो बहुत कम कट ऑफ जाता है भाई, है ना। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो गर्ल्स का 66 नंबर, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो 75 से 76 नंबर, है ना, 75 से 76 नंबर के आसपास यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं ओबीसी कैटेगरी, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन फिलहाल में चल रहा है, ठीक है, तो ओबीसी की अगर बात करूँ मैं बॉयज़ की, तो 82 मैक्सिमम, ठीक है, 80 से 82 नंबर यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है यहाँ पे किसका, ओबीसी के बॉयज़ का। अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात करूँ तो 78 नंबर यहाँ पे ओबीसी की गर्ल्स का रह सकता है, क्योंकि जर्नल्स की अपेक्षा ओबीसी का कट ऑफ हाई जाता है ओबीसी की गर्ल्स का, ठीक है, क्योंकि ओबीसी गर्ल्स की संख्या यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होती है इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाता है। तो आप देख सकते हो ओबीसी का। यहाँ पे एससी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे देख सकते हो 58 से 60 नंबर अराउंड आपका जो है मैक्सिमम 60 यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, एससी के बॉयज़ का। और गर्ल्स का बिल्कुल इनका सेम कट ऑफ रहता है भाई, गर्ल्स का एससी की जो आपकी गर्ल्स हैं और बॉयज़ इनका सेम कट ऑफ रहता है, सिर्फ 1 से 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ मैं एसटी की, तो एसटी के तो आप सभी को पता है बहुत कम कट ऑफ जाता है, जबकि गर्ल्स का तो कट ऑफ यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया जाता है। एसटी के यहाँ पे आप देख सकते हो 42 नंबर में आराम से यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका जेएनके भी मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली आप सभी को यहाँ पे पता भी होगा 70 सीट्स हैं आपकी टोटल, ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो ये आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑफिशियली कट ऑफ हो गया भाई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, यहाँ पे बीएस जो आपका सबसे फेमस यहाँ पे प्रोग्राम्स बीएससी एग्री हॉर्टी बीट है ना और फॉरेस्ट्री, तो इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल का तो 105 नंबर अराउंड रह सकता है भाई। ठीक है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है आपका अराउंड जनरल का 105 नंबर। जनरल की अगर फीमेल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 84 से 85 में आराम से, ये लास्ट जो नंबर है ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बीएससी आपको आराम से मिल जाएगा है ना। तो जनरल का एक्सेफ 84 से 85 नंबर यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे आपका ओबीसी का, ठीक है, ओबीसी का भी आप यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी का जो बॉयज है उनका अराउंड 101 से 102 नंबर यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि जनरल से ओबीसी का कम कट ऑफ रहता है प्रीवियस ईयर में, आप सभी को पता है ओबीसी का प्रीवियस ईयर में कितना था, 112 कट ऑफ था है ना, तो ये आप देख सकते हो। बाकी अगर ओबीसी की मैं गर्ल्स की यहाँ पे बात करूँ तो 88 यहाँ पे गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इन दो जो है जनरल की गर्ल्स में और ओबीसी की गर्ल्स में भाई कंपटीशन चलता है कट ऑफ में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 84 88 इनका कट ऑफ इतना ही रहेगा। बाकी अगर नेक्स्ट में बात करूँ आपसे, ठीक है, तो भाई अगर ओबीसी की गर्ल्स प्रीवियस ईयर में इतने में होती ना तो उनको तो सिलेक्शन भी नहीं होता इतने नंबर में। ठीक है, कि गर्ल्स का कट ऑफ आपके हाई गया था प्रीवियस ईयर में है ना, 100 नंबर के आसपास गया था भाई अप्रोक्स। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो एससी एसटी का भी कट ऑफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, एससी के अगर बॉयज़ की बात करूँ तो आराम से 94 में उसको अलॉट हो जाएगा आपका कोई ना कोई कॉलेजेस। बाकी गर्ल्स की बात करूँ तो 75 से 76 में आराम से अलॉट हो जाएगा कॉलेज, नो टेंशन है ना, एकदम फ्री माइंड में रहे बिल्कुल यहाँ पे है ना। बाकी एसटी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे एसटी के बॉयज 80 नंबर पे बिल्कुल सेफ है, नो टेंशन, 80 नंबर 80 अगर उनके आसपास नंबर 82 83 के आसपास बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं यहाँ पे एसटी के बॉयज गर्ल्स की तो 70 नंबर में बिल्कुल सेफ है ना, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आराम से आपको 75 में अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर का, 75 नंबर के आसपास भी हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। बाकी यहाँ के अगर बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस की तो 100 नंबर के आसपास अप्रोक्स रह सकता है भाई ईडब्ल्यूएस का है ना, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं कट ऑफ में, इसीलिए मैं यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियोज बना रखी है, बट क्या करूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसलिए मेरे को ये वीडियो लेके आनी पड़ी, कट ऑफ इस बार बिल्कुल कम हो जाएगा भाई है ना। तो अभी आपकी सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, बाकी आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स की अभी लिस्ट भी आने वाली, तो टॉप 10 स्टूडेंट्स देखते हैं भाई कौन कौन से आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। और बाकी आपके यहाँ पे आंसर्स की तो आ गई है भाई, कौन कौन से आंसर यहाँ पे चेंजेस हुए हैं तो वो आप देख सकते हो, मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दी थी, एग्री जर्नी करके टेलीग्राम चैनल है तो उसमें आप जाके जो है देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल जो है रिलीज थोड़ा सा वेट करें, 4 से 5 दिन में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी दाहेट का जो स्टूडेंट्स उनके नानाजी देशमुख की वेबसाइट पे ही बाकी आपकी काउंसलिंग चलेगी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपडेट के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।